हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए फिर से एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। सी, हमने कल क्या कवर अप किया था स्टूडेंट्स? हमने कवर अप किया था आपके लिए न्यूमेरेसी स्किल्स की बुक हमने पिकअप की थी, ठीक है ना? हम वहीं से स्टार्ट कर रहे थे, बट द थिंग इज़ कि देखिए, 1 to 20 आपने ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है। सो आई विल रिक्वेस्ट पेरेंट्स को कि आप क्या करें, छुट्टियों में जो ब्रेक टाइम हम हो जोन से जो उनका स्टार्ट होगा, आप उनको वन वन वर्कशीट कराते रहिए, ठीक है ना? जैसे उसमें कुछ पोर्शन था फुल एम्प्टी का, मैंने आपको एक बार बता दिया था कि बच्चों को कैसे समझाना है, बट आप उसमें क्या कर सकते हैं ना, 1 to 20 वो ऑलरेडी उन्होंने कवर अप किए हुए हैं, तो बस आप उन्हीं का ही रिविजन करा दीजिएगा, उनकी वो वर्कशीट्स कंप्लीट करा दीजिएगा। ओके मैम, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब बच्चे भी क्या करेंगे, जो भी अपना मैम कराती हैं, सर कराते हैं, इसलिए मैंने मैम एड्रेस कर दिया, बट अगर फादर्स भी कराते हैं तो साथ साथ ही अपने बच्चे को लाइक क्या करें कि जैसे आपको बताया हुआ है 1 to 20 हमने ऑलरेडी कवर अप किया, तो आप प्लीज़ बच्चे को बिठा के वो एक वर्कशीट दे दीजिएगा। सो टुडे वी आर लाइक विद न्यू बुक लिटरेसी स्किल्स। ओके, सो इसमें क्या है ना, देखिए आपको स्टैंडिंग लाइन है, जैसे कि हमने देखा था जब हम वन बनाते हैं, वन लिखते हैं, तो हम ही स्टैंडिंग लाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना? तो इसी तरह से लाइक आप उनको उनको पता है ऑलरेडी स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन्स, ठीक है ना? तो एक बार ही आप क्या करेंगे उनको, जिनको अगर बच्चा रिवाइज भूल गया तो उनको बताइए कि स्टैंडिंग लाइन क्या होती है, ठीक है ना? स्टैंडिंग इसी के ऊपर आपने ट्रेस करना है, ठीक है? ये तो बहुत आई थिंक ईजी चीज़ हो जाती है, ठीक है? तो आप क्या करें कि इस पोर्शन पे एटलीस्ट, ठीक है, स्टैंडिंग लाइन्स है, देखिए यहाँ भी स्टैंडिंग लाइन्स है, यहीं पर ट्रेस कराना है, और ये उनकी नोटबुक का फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो उसमें आपको ट्रेस कराना है। बट ये बुक्स ही ऑलरेडी इतनी एडवांस्ड हैं, ठीक है, कि इसमें आप साथ साथ ही इसको उनको कवर अप करा सकते हैं, ठीक है? सो अब क्या होता है इसमें, ट्रेस ऑन डॉटेड लाइन, ये स्लीपिंग लाइन, ये क्या है, स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मीन्स क्या होता है, खड़े होना, ठीक है ना? आप ऐसे बता सकते हैं, सीधा स्ट्रेट खड़ा होता है एक पर्सन, ठीक है? और क्या होता है फिर, क्या कहते हैं, स्लीपिंग लाइन की बात की जाती है। स्लीपिंग लाइन मीन्स क्या होता है, स्लीपिंग लाइन मीन्स लेटे हुए होना, सोना, ठीक है ना? तो ये उसी पोजीशन में है, ठीक है? आप बच्चों को ऐसे भी समझा सकते हैं, ठीक है? फिर स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग क्या होता है, थोड़ा तिरछा या टेढ़ा होना, ठीक है? तो आप इस स्लैंटिंग लाइन को ऐसे करा सकते हैं कवर अप, ठीक है? ये पोर्शंस ना एक्चुअली में क्या है कि बच्चों को आते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो पेरेंट्स इनको इजीली करा सकते हैं। हम वही वही टॉपिक्स चूज़ कर रहे हैं, जैसे कि वन हमने कल चूज़ किया था, जनरल अवेयरनेस के बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए, बट मैं अब वो टॉपिक्स आपको आइडिया देना चाह रही हूँ, जिससे जो आपके जून में लाइक आप इजिली बच्चों को करा सकें, ठीक है ना? तो इसमें आई थिंक पेरेंट्स को इतना नीड नहीं होगा, बस उनको ट्रेस ही कराना होगा, उनको एक्सपर्ट टीचर की नीड नहीं होगी, लेकिन लाइक आज स्टूडेंट्स की आप उनको करा दीजिए, लाइक बच्चों को करा सकते हैं, और बच्चों को बोल सकते हैं कि आप ड्रॉ कीजिए, एक एक पेज करा दीजिए, सिंगल पेज करा दिया मॉर्निंग में, इवनिंग में आपने स्लैंटिंग लाइंस करा दी, ठीक है? और फिर स्लैंटिंग लाइन से आप देखिए, स्लैंटिंग लाइन इस पोजीशन में थी, ठीक है ना? अब आपको इस पोजीशन में करानी है, ठीक है ना? ये देखिएगा, अब डायरेक्शन करके बता, राइट हैंड की तरफ है, ये हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है, ठीक है ना? तो अब ये हो जाएगा, कर्व्ड मीन्स कर्व्ड की शेप में होती हैं, ठीक है ना? तो जैसे 3-4 बच्चा सीख रहा है, ठीक है, जैसे उनको बता दीजिए, जैसे हम सी बनाते हैं तब हम ये यूज़ करते हैं, कर्व लाइन का यूज़ होता है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं, ठीक है? कर्व लाइन हाफ ये साइड है, जैसे हम जब डी बनाते हैं फिर हम ऐसे करते हैं, ठीक है ना? तो ये भी यूज़ हो सकती है। राउंड एंड राउंड में क्या होता है, गोल, ठीक है? राउंड एंड राउंड गोल सीखते हैं बच्चे, गोल बनाना, ठीक है, सर्कल बनाना सीखते हैं जैसे, ठीक है? जैसे हम ओ बनाते हैं तब ये होता है, तो उनको ट्रेस करना सिखा दीजिए, ताकि ट्रेसिंग में उनको इजी हो जाएगा। ये आप इनके हॉलीडेज होमवर्क में करा सकते हैं, ये बच्चों का हॉलीडेज होमवर्क रहेगा, ठीक है? ठीक है, अब हम आते हैं न्यू कॉन्सेप्ट पे, ठीक है? अब देखिए, अप एंड डाउन भी है आपके पास, बट आप इतना ही, जितना आप करा पाएँ बच्चों को करा दीजिए। और जैसे यू की शेप में बन रहा है कवी में, ठीक है, अप एंड डाउन, देखिए अप जा रहा है फिर डाउन, फिर अप, फिर जिगजैग लाइन है एक तरह से, ठीक है ना? जहाँ तक आप बच्चों को करा पाएँ, बट ये कॉन्सेप्ट स्लीपिंग लाइन है, सेंटिंग लाइन्स हैं, ये आप इजीली बच्चों को करा सकते हैं, ठीक है? तो ये करा दीजिएगा आप, ये आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, ठीक है? आज हम कैसे करेंगे कि आज हम ना ये न्यू टॉपिक जो आपका है, ठीक है ना, अब देखिए ये तो आप करा ही देंगे बच्चों को, ठीक है ना? और इसमें अगर आप लाइक मतलब हम यहाँ से बैठ के आपके लिए मतलब ये नहीं, इसमें कुछ हेल्प आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? बट हम क्या करते हैं, जो हमारा ये है लाइक अल्फ़ाबेट्स हैं, तो अल्फ़ाबेट्स ऑलरेडी बच्चों को करा रखे हैं 2M, बट द थिंग इज़ कि आपको एक बार ये रिवाइज़ कराए जा रहे हैं, लाइक पेरेंट्स को एक बार आइडिया लग जाएगा कि बच्चों को ये कैसे कराएं, ठीक है, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? अब हम आते हैं ए ए, लाइक ए कैपिटल ए है ये, और ये स्मॉल ए है, ठीक है? कैपिटल लेटर है ये, और ये स्मॉल लेटर है, ए ए इज़ 4। ए से क्या होता है, ठीक है? अब हमने क्या पढ़ा, ए फॉर एप्पल, ठीक है ना?
अब ना इतनी सारी इसमें पिक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है ना, तो आप उन पिक्चर्स को देख के आइडिया लगाएंगे, उनकी साउंड सुनेंगे, क्या हम लेटर के नेम होता है जो है, रीड अलाउड द लेटर, लेटर को आपने तेज से पढ़ना है ए, ठीक है ना, एंड लिसन टू साउंड, साउंड क्या प्रोड्यूस होती है इसकी, ठीक है ना, अ साउंड प्रोड्यूस होती है अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो, ठीक है। अब आता है लुक एट द पिक्चर्स, कॉल आउट देयर नेम्स, आपको पिक्चर्स को देखना है और नेम्स लाइक इनको नेम्स बताने हैं कि क्या होता है, ठीक है। देखिए अब क्या है ना इसमें कि आपको क्या करना है कि अब ये बच्चों के लिए रीड करना है, ठीक है ना, तो बच्चे पिक्चर से पहचान पाए तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। पहले तो आप क्या करेंगे, ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, बच्चों को ये ट्रेसिंग करा दीजिएगा, जैसे ए, ठीक है, फिर यहाँ से ए, देखिए स्लैंटिंग नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, तो स्लैंटिंग लाइन्स की इंपॉर्टेंस इतनी हो जाती है, और फिर स्ट्रेट लाइन स्लिपिंग लाइन हो जाती है, ठीक है, तो ये इसलिए इनको साथ साथ ही कराया। फिर ये कर्व लाइन्स है, कर्व लाइन्स का यूज़ हमें कहाँ आएगा, लाइक ये स्ट्रेट है, ठीक है ना, तो कर्व लाइन्स का हमें कहाँ यूज़ आएगा, जब जैसे हम स्मॉल ए बी सी डी करेंगे, ठीक है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स करेंगे, ठीक है। तो अब क्या है ना, आपको क्या करना है एक्चुअल में, जब आप बच्चों को पढ़ाएं तो ये नहीं बस उनको यही पता हो ए फोर एप्पल, कि उनको बहुत सारी चीज़ें पता हो, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब हम इन वर्ड्स को देखेंगे, आप बच्चों से कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, बच्चों को कैसे समझा सकते हैं, ठीक है। जैसे ए फोर एप्पल, बच्चों को ये पता है ऑलरेडी, ठीक है, एप्पल है, एप्पल को कौन लेके जा रहा है, आंट लेके जा रही है, ठीक है, एप्पल, ठीक है, ए साउंड है इसकी, एंट, एंट क्या होती है, चीटी, बच्चों से डिस्कस कर लीजिएगा, आपने चीटी देखी है ना, ठीक है, और फिर एप्पल भी हमारा हो गया। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या होता है हमारा, एबेकस होता है, ठीक है ना, एबेकस क्या होता है, ये भी ना एक ना पढ़ाने का लिए यूज़ किया जाता है बच्चों को, ठीक है ना, एबेकस भी वही चीज़ होती है, ठीक है, ये डिवाइस होता है एक्चुअल में, ये क्या करता है, कैलकुलेट करने में यूज़ होता है, ठीक है ना, आप यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे, ठीक है, इसे आप पढ़ भी सकते हैं और काफ़ी सारी ट्रिक्स भी सीख जाते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, देखिए अब एबेकस अगर आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो ए साउंड आपको पता होना चाहिए, अ साउंड है इस वर्ड की, ठीक है, तो आपको ए की जो साउंड है उसी को आपने नोटिस करना है, आपको बस ये नहीं देखना कि ए फॉर एप्पल भी होता है, बच्चों से पूछे तो बहुत सारे वर्ड आने चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है ना, 8 9 तो आपको ये दिए हुए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं, तो बच्चा नहीं ये सब चीज़ें ही बता पाए, ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट जो हम ये देख रहे थे वर्ड जो है एरो, एरो क्या होता है, एरो क्या होता है, एरो होता है तीर होता है, ठीक है ना, लेकिन ये भी ए फोर एरो ही होता है, ठीक है ना, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड्स हैं सारे ए से ही बने हुए हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, एंकर, एंकर दिया हुआ है आपको, ठीक है, अब एंकर क्या होता है ये तो आपने सुना भी नहीं होगा, ठीक है, ये कैसे यूज़ होता है एक्चुअल में, ठीक है, ये ना एक हैवी सा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, जो कि चेन से अटैच हुआ हुआ होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, शिप के लिए लाइक यूज़ किया जाता है ये, ठीक है, ठीक है, और तो इससे भी आप लाइक रिलेट कर लेंगे, ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट होता है ये, और क्या कहते हैं कि आप क्या करते हैं कि इससे ना आप बच्चों को ना वर्ड्स के बारे में बता सकते हैं कि क्या कहते हैं आप शिप के बारे में, जैसे एस फोर शिप हो गया, ठीक है ना, तो एबेकस है, एबेकेशन कैलकुलेशन के लिए होता है, मतलब मैथ्स के लिए यूज़ होता है, तो एम फो मैथ्स हो गया, ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स न्यू निकल के आएंगे। एक्स देख लीजिए, ठीक है ना, एक्स देखेंगे अगर आप, ठीक है, एक्स है, तो अगर सपोज एक्स है तो एक्स क्या है, ठीक है ना, एक्स अगर हम देख रहे हैं तो एक्स है कुल्हाड़ी, ठीक है, ए फोर एक्स की बात की जा रही है, ठीक है, तो क्या है ना आपको बस ए फोर एक्स पता होना चाहिए, ओके। अब आता है एलिगेटर, एलिगेटर क्या है स्टूडेंट्स, एलिगेटर मीन्स होता है मगर, ठीक है, एलिगेटर मगर को बोलते हैं, मगरमच्छ होता है ना जो, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये भी रैप्टाइल होता है, ये क्रोकोडाइल की तरह होता है, ठीक है, क्रोकोडाइल होता नहीं है बट इसका सिमिलर ही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में क्या होता है, पेशेंट्स को लेके जाया जाता है, ठीक है ना, पेशेंट को जो इमरजेंसी की सिचुएशंस होती है, आपने उसको देखा होगा, साइन भी बना होता है, आपने देखा भी होगा रोड्स में, या लाइक इनके पास सायरन होता है तो इनकी आवाज़ जाती है, जब आप साइड आवाज़ आपकी साइड से निकलती है तो इनमें से आवाज़ आती होती है, ठीक है ना, तो सायरन होता ही है एक्चुअल में, ठीक है। तो एम्बुलेंस क्या करती है, जो इमरजेंसी वाले पेशेंट्स होते हैं उनको लेके जाती है, जिनकी सिचुएशन क्रिटिकल है, बीमार हैं, ठीक है ना, तो उनको लेके जाती है, ठीक है। हाँ जी, तो हमारा ये नेक्स्ट क्या था, ये नेक्स्ट था एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट हमने देखा, एस्ट्रोनॉट में क्या होता है, एस्ट्रोनॉट होता है अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, जो एक पर्सन होता है उसको ट्रेन किया जाता है स्पेसक्राफ्ट के, स्पेस के काम के लिए, ठीक है, स्पेस में वो चेक करता है सब चीज़ें, देखता है वो, ठीक है ना, तो स्पेस के बारे में जो लाइक ट्रेन किए जाते हैं उनको खोज करनी होती है, ठीक है ना, तो उनके लाइक एस्ट्रोनॉट स्पेस में जो जाते हैं, ठीक है ना,
तो हम बात करते हैं जैसे स्टार्स हैं, सन है, उनकी हाइट, डेप्थ, विड्थ, ये सब मेजर करते हैं वो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं वो, ठीक है। सो ऐसे आपको ए फोर एक एक भी जो भी लेटर या क्या जो आप करा रहे हैं तो उनको बच्चों को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो आप उसके बाद क्या करेंगे, ए को ट्रेस कराएंगे, ठीक है ना। अब ए को ट्रेस अब जब करा रहे हैं, ठीक है, ये क्या होता है, टॉप से आप स्टार्ट करेंगे फिर स्लैंट करेंगे, ठीक है, डाउन की तरफ, ठीक है। स्लैंट डाउन यहाँ पे भी है, स्लैंट बैक है, ठीक है ना। आप स्लैंट बैक है, ठीक है, फिर यहाँ पे भी आपको स्लैंटिंग ही है, ठीक है, फिर स्लैंट डाउन है, डाउन ध्यान रखना, देन अक्रॉस यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे कर, ठीक है, डाउन की पोजिशन है ये, ठीक है। तो आपको इस वजह से ऐसे ध्यान रहेगा, ठीक है। आप अगर ये लाइक पोजिशन को आपको अगर आप रीडिंग भी नहीं करें तब भी आपको आइडिया लग जाए, एरो है नीचे की तरफ, स्लैंटिंग, फिर इस पोजिशन में, फिर यहाँ पर स्लीपिंग लाइन, ठीक है। अगर आप वो स्लीपिंग लाइन्स पहले करा लेंगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज आपने लाइक ए टू एम कैपिटल्स में किए और बच्चा ये नहीं कर पा रहा है ट्रेस एंड राइट ए, ठीक है, तो आप क्या करें कि आप क्या करें, आप इनको कैपिटल्स में ही करा दीजिए ए टू एम तक, ठीक है, वो भी सफिशियंट हो जाएगा, बच्चा एटलीस्ट वो तो लर्न कर लेगा ना, जैसे बी वाला पोर्शन है, ठीक है, तो आप ये करा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप जैसे सपोज इसकी बात कर रहे हैं ऑल द वे राउंड, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसकी ए की स्मॉल जो होता है, ठीक है ना, ए देखिए ए कर्व शेप में है, ठीक है, और फिर ये डाउन की तरफ जा रहा है, अप एंड डाउन वाला, ठीक है ना, आपसे नीचे डाउन तक जा रहा है, ठीक है ना, तो आपको कर्व देखना है एक्चुअल में, कर्व बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप बच्चों को कराएंगे तो ऑब्वियसली कर लेंगे, ठीक है। अब सपोज बी है, ठीक है, तो अब बी से हमें पता है बेल होती है, ठीक है, बी से अगर बेल है, बेल मीन्स क्या होती है स्टूडेंट्स, घंटी होती है, ठीक है ना, तो घंटी आप देख रहे हैं, आपको पिक्चर भी, बच्चों को पिक्चर्स भी ज़रूर दिखाइए, ठीक है ना। साउंड देखिए बी की क्या हो रही है, ब साउंड हो रही है, फोनिक साउंड हो रही है, ठीक है, बी से बैट ब साउंड है, ठीक है ना, हमने पहले फोनिक साउंड्स आपने देखी ही होंगी, बी फो बस, ठीक है ना, आपको पहले कराई गई है फोनिक साउंड, बी की साउंड क्या है ब, ठीक है ना, बी फो बॉल, ठीक है, बॉल है, ठीक है, जैसे बच्चा खेल रहा है, बी से बॉय भी है, ठीक है, बी से बनाना, केला बोलते हैं हम जिसको, ठीक है, बॉय मीन्स लड़का, बी फो बेबी, ठीक है, बेबी भी, बेबी क्या होता है, बच्चा दिखा रहा है, बी फो बलून, ठीक है। आप क्या करिए, अब बी से बच्चे से पूछा जाएगा, इतने सारे वर्ड्स उसने पढ़े हैं, लाइक उसको बोलिए आइस क्लोज करके मुझे बताइए, या बिना बुक क्लोज कर दीजिए, फिर आप बच्चे से पूछिए, बी फो बेल बताएगा, बी फो बैट बताएगा, बी फो बस बताएगा, बी फो बनाना बताएगा आपको, और कुछ और भी पूछ सकते हैं, बी फो बेड भी होता है, ठीक है ना। तो आप क्या करें ना, बच्चों की इससे लाइक पिक्टोरियल स्किल्स बढ़ेगी, लेकिन आप उसको पूछेंगे ना, उनकी थिंकिंग स्किल्स भी इंप्रूव होती है, बच्चा सोचेगा ही नहीं तो उसे इतना सोच ही नहीं पाएगा, तो उसकी हमें थिंकिंग स्किल्स भी इंप्रूव करानी, फिर आपको उसमें मेथड बताया हुआ है, ठीक है, जो पेरेंट्स नहीं लाइक उनको चाहते हैं जैसे एक्सपर्ट टीचर हो, ठीक है, हम स्कूल में आने के बाद बच्चों को ऑब्वियसली कराएंगे, बट द थिंग इज कि अभी के लिए वो कैसे कराएं, ठीक है। जैसे डाउन है, आपको यहाँ पे एरो बना के दिखा रखा है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि ये डाउन है तो आप इसको डाउन की तरफ लेके जाएंगे ऐसे, ठीक है ना, तो आपको इसे पोजीशन में करना है, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे इस पोजीशन में बता रखा है, ठीक है ना, राइट की तरफ, फिर इसका कर्व है, ठीक है ना, फिर यहाँ पे कर्व है, ठीक है ना, तो इस तरह से करेंगे ना तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा, और एटलीस्ट आप जो कैपिटल वाले हैं ना ये बच्चों को करा सकते हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे ये कर लेंगे साथ साथ ही, ठीक है। तो आप इस तरह से उनको ए ओ बी वाला, और जहाँ तक उन्होंने कवर अप किया हुआ एटलीस्ट आपने उनको एम तक करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्मॉल में नहीं करा सकते हैं, नो इश्यूज, यू कैन लाइक डू विद द बिग कैपिटल लेटर्स ओनली, ठीक है ना, ताकि वो बच्चे से लाइक सीख सके, कि वो पिक्चर्स देख सके, पिक्चर्स उसने देखी होंगी, जब उनको क्लास में रिवाइज कराई जाएंगी तो ईजिली लर्न कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, सो थैंक यू पेरेंट्स, वी विल मीटिंग टुमारो।